वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मैं सरपंच धर्मिंदर सिंह ग्राम पंचायत नवीपुर जिला फतेहगढ़ साहब। एक साढ़े पिंड दे विच पहला गंदे पानी की निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा सी। हरेक गलियां दे विच तकरीबन गंद या पानी गलियां दे विच रुलदा फिरदा सीगा, ते जिस दे नाल मच्छर ते मक्खी बहुत फैलदी सी, गंदगी फैलदी सी। ते जदों साडी पंचायत बनी असी सब तो पहला गंदे पानी की निकासी समस्या नूं हल करन वास्ते अपने पिंड दे विच सीचेवाल प्रोजैक्ट लाया, जो बन के वधिया तैयार है। तो पानी की हुण किसी तरह की कोई समस्या नहीं, किसी गली दे विच किसी तरह का कोई गंदा पानी नहीं खड़ता है, जिस तो खास करके मच्छरां ते मक्खियां तो निजात मिली है लोगों। तो पिंड दे विच गंदे पानी की निकासी का सुचजित ढंग नाल उहदा प्रबंध करके गंदे निकासी के पानी का प्रबंध बड़ा वधिया सुचजा ढंग नाल होया। हुण अपना सीचेवाल मॉडल दिखाने असी घुमा के दिखा दें, हम बिच बूचे ना बिच बड़िया। ये साडा सीचेवाल मॉडल है भाई बने इतने। पहला गंदा पानी उस घूम के पानी इसके आ जिस कोई लिफाफे जुत्तियां बोतल वो ये छण जाने ने, फिर इतों आके स्टोपे के स्टोरेज होंगी है, जिसे नाल दिखाओ जी टोपा मतलब जिसे कोई लिफाफा जुत्ती है गंदगी नहीं जाती। फिर ये इधर आह फसल ने जिसनू आह सोलर सिस्टम मोटर लगी हुई है इतने, तो फिर ये इतने पैप अंडरग्राउंड पैप पी हुई है, ये फिर खेतों में पानी लगता इन्हों। जिन्हें गलिया के सारियों के सीवरेज पा के वधिया तरीके पाइपलाइन पा के ये देखो गली बड़ी साफ सुथरी है, कोई ये पानी की दिक्कत नहीं। बरसात पैदा वो कोई रुकावट नहीं, पानी की बड़ी वधिया बन के ये सुचजे ढंग तैयार हुई पी है, जिस किसी तरह की लोगों कोई दिक्कत नहीं आती तुरन फिरन ना कोई बदबू है। ये साढ़े पिंड की सब तो चौड़ी गली है, बार बार वाली फिरनी जिस हालत बड़ी माड़ी सी, पास दोवे पास गलिया नालिया जी पानी में भरिया रही सी, ये पाइपलाइन पा के मतलब वधिया तरीके बनाया गया। ये देखो सारे घर का पानी इस तरह किया गया भी जिस दे नाल भी कोई लिफाफा कोई कुछ किस तरह जुत्ती जां कोई बोतल कोई टोबे के ना जाए जां पैपां विच ना जाए, इस करके आपके सामने नाले गलियां चौड़ियां हो गई साफ सुथरिया हो गई, पानी भी वधिया तरीके नाल तैयार है। ये देखो सारिया गलियां अंडरग्राउंड की गई ने पाइपलाइन पा के, इधर मारो मड़ी जी आ इधर देखो कोई नाले नहीं दिखूगी, पाइपा सारी अंडरग्राउंड ने, जिस दे नाल खास करके जिहड़ा मच्छर है मच्छर का लारवा बनता वह बहुत घट गया, बहुत ज़्यादा गलियां दे विच कोई मच्छर या किसी तरह की मक्खी नहीं दिख रही हैगी। हुण तुहानू असी अपने पिंड की सब तो सोहनी जिहड़ी पिंड की एंट्रेंस है पिंड की सोहनी ग्राउंड ते नाल पार्क लोगों के घूमने के बाद दिखाने तुहानू आओ जी। इधर बच्चों वास्ते झूले लगे हुए ने, इधर नौजवान तो लेडीज़ अपना वर्क अपना वर्जिश करते हैं, रात को मुंडे इतने वॉलीबॉल खेलते हैं, लाइटां लगियां बड़ियां। उस तो बाद असी अपने पिंड के स्कूल का जो काम होने वाला सीगा उन्हें अपग्रेड करने वाला सीगा अंदरों बाहरों, असी वो इन्हें अपग्रेड करा के हटे हैं, तो नाल ही साड़ी हस्पताल डिस्पेंसरी लगती है उन्होंने भी अपग्रेड करके हटे हैं। पिंड के जिन्हें भी बाहरले अंदरले रास्ते बनने वाले जिन्हों की हालत कई भी पच्ची पच्ची साल तो नहीं बने, हालत बड़ी खस्ता सी, वह भी तकरीबन असी सारे रास्ते वधिया बना के हटे हैं, जिस दे नाल पिंड की शान शौकत वधिया साफ साफ सफाई वधिया पिंड दे विच पिंड की सुंदरता दे विच निखार आया। आने वाले समय के साड़ी ये ख्वाहिश है भी असी अपने पिंड नूं अग्गे लेके जाइए तरक्कियां वल नूं, इहदी सुंदरता दे विच होर निखार आवे, जिहड़े भी रहिंदे कम ने उह भी पूरे कीते जाणगे, ते पिंड दी साफ सफाई ते गंदे पाणी दी निकासी दे विच विशेष तौर ते ध्यान दित्ता जा रहा है, ते अग्गे भी इहदे पिंड नूं असी बुलंदियां वल लैके जावांगे।